हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैश ट्यूबर। और देखते ही देखते जुलाई आ गया है और मैडम का बर्थडे, मेरा बर्थडे मंथ है और 9th जुलाई इज माय बर्थडे। आप लोग सब लोग विश करना है तो बर्थडे है और गिफ्ट नहीं मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। और किसको गिफ्ट तो सबको बहुत प्यारे होते हैं। मुझे तो बहुत प्यारा है, मुझे लगता है कि मुझे ढेर सारे गिफ्ट मिले। तो चलिए, आज मंजू ने मुझे काफी गिफ्ट दिया है तो उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी बर्थडे आया नहीं, मैंने उससे पहले इसको गिफ्ट एडवांस में दे दिया कि अगर इसको अच्छा लगा कि मंजू ने दिया तो अपने बर्थडे के दिन मेरा कोई ड्रेस पहन ले। पहनूंगी मैं मंजू का ही ड्रेस पहनूंगी। तो आ गया है तो सोचा चलो हम लोग एक वीडियो बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं कि मंजू ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं, जो भी दिया है बहुत ही प्यारे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोग भी, मैं और वेट नहीं कर सकती हूँ, बस स्टार्ट करना है। और आप लोग ने मुझे बताया नहीं कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है। हम लोग ने पूछा था एक वीडियो में, कुछ अलग दिख रहा है। आप लोग ने किसी ने कमेंट में बताया नहीं कि मेरा हेयर कट कैसा दिख रहा है। एक्चुअली हमने वो वीडियो डाला ही नहीं अभी तक है। हाँ, इसलिए किसी ने नहीं बताया। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या अभी तक किसी ने मतलब एक कमेंट भी नहीं आया। सॉरी, हमने ही वीडियो नहीं डाला, अभी तुम्हारा वो वीडियो गया नहीं है। ओ माय गॉड, हमारी टाइटल फिश। मैं सोच रही हूँ क्या बोल रही है। एनीवे फ्रेंड्स, आप बताइएगा मेरा नया हेयर कट कैसा लग रहा है। और अगर आपको जानना है कि किसने मेरा ये हेयर कट किया है तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली नंबर शेयर करूंगी ताकि आप भी जाके ऐसा सुंदर सा हेयर कट कर सकते हैं। मेरा नाला सुबारा रहते हैं, वो आराम से करवा सकते हैं। यस सर, अब और वेट नहीं होता, स्टार्ट करो जल्दी से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इतना सारा मुझे देखिए गिफ्ट मिला है, पूरा झोला भर के। यस, तो ये एक शॉप है वसई वेस्ट में और इस शॉप का नाम है इनविजन। खैर, कोई हमको बोला नहीं है भाई हमारा नाम लो। हाँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ से शॉपिंग की है तो और हमें अच्छा लगा तो हमने इसलिए सोचा आपको बता दें। काफी अच्छा स्टॉक है और वेरी ट्रेंडी स्टॉक है इनके पास और सारे साइजेस आपको अवेलेबल है, आराम से मिल जाएंगे और ट्राई कर सकते हैं। वहाँ ट्रायल रूम है, आराम से आप ट्रायल कीजिए। उन लोगों कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई करने के लिए, क्योंकि आप कहीं भी मॉल में चले जाइए, अगर आपके यहाँ मॉल खुला भी है तो ट्राई नहीं अलाउड है। सो यहाँ पर ट्रायल है और इनका इंस्टा में भी पेज है और फेसबुक में भी है। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं बट मैं बोलूंगी अगर आप हमारे इस एरिया में रहते तो आप शॉप पे जाके ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि फिर मंगाएंगे फिर फिटिंग, आई डोंट नो फिर वो प्रोसीजर क्या है। आराम से आप ट्रायल रूम तो है ही, आप चेक कर लो अपना जैसा साइज है वैसा ले लो, फिर हिसाब से हम अच्छा रहता है। तो चलिए पिटारे में क्या क्या है देखते, जल्दी दिखाओ सबको। फ्रेंड्स, सबसे पहला ड्रेस ये देखिए, ऐसे है। सो बहुत ही मुझे ना ये अलग सा कलर लगा और पैटर्न भी लगा। मैंने ऐसे पैटर्न में कभी कुछ पहना नहीं था और मंजू बोल रही थी ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसा लगेगा, चादर लग रहा है, ये वो बहुत कुछ मुझे मतलब जब दिखाया था तो बड़ा अजीब लग रहा था, पर जब पहना ना तो बहुत सुपर लग रहा था। और ये ना रफल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रफल्स है सारे और यहाँ नीचे भी फ्रिल दिया हुआ है पूरा इसके मतलब नीचे के साइड में। और इसके साथ एक अटैच बेल्ट भी है कपड़े का, जितना आप टाइट। हाँ, और पीछे ना एक जिप भी दी हुई है टू ओपन एंड क्लोज। खैर, आपको तो पता है मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ तो मैंने इसको खोला ही नहीं। और साइज वाइज तो मुझे नहीं पता भैया, वो उसने जो साइज इधर तो लिखा हुआ है ट्रिपल एक्सल तो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि लोकल रहने पे ना कोई साइज का कोई वो नहीं रहता है। और ये हाँ ये मतलब
इन लोग ना हांगकांग या बैंकॉक के ही स्टफ है मुझे लगता है, और ये पूरा जो मटेरियल है ना ये जॉर्जेट है ना, अंदर से लाइनिंग भी है, अंदर लाइनिंग भी है, देखिए अच्छा वाला लाइनिंग है, ये मतलब वो थोड़ा सा पॉलिएस्टर जैसा लाइनिंग, और जो एक कपड़े का जो एकदम बेकार जैसा था ना वैसा नहीं है, वैसा अच्छा है, बहुत अच्छा वाला लाइनिंग है। सो ये लाइनिंग के साथ है और इसका प्राइस था 1495, थोड़ा सा महंगाई है दुकान, और उसमें हमने तो बार्गेनिंग करने की कोशिश की, स्पेशली एक लेडीज की आदत होती है कहीं भी जाती है वो पैसा कम ना करा ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं ना बार्गेनिंग कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे ना तो नहीं कर पाती है, पर मैं थोड़ा अजीब सा लगता है पूछने के लिए तो किया, तो उसने 10% हमको डिस्काउंट दे दिया तो मैं तो ना इसके बंजू के पीछे से खड़ी थी, मैं बोली गाली देगा तो ये सुनेगी, मैं बंजू हम राउंड फिगर भी करवाते हैं उसके डिस्काउंट के बाद हम उसको राउंड फिगर भी करवाते हैं, भैया ये राउंड फिगर कर दो, नहीं वो मैंने बहुत प्यार से बोला भैया राउंड फिगर कर दो ना, मैं बोला मेरा बर्थडे है भैया राउंड फिगर कर दो ना करके, तो बोले बर्थडे तो और ले और लो, मैंने बोला ये मुझे भी मार के भगा देगी, देने वाले की जेब भी तो देखो भाई लॉकडाउन चल रहा है, मैंने बोला एक बजट हम सोच के आते हैं, अभी मैं उसके ऊपर लूंगी तो ये मेरे को लात मार के भगा देगी। सो ये रहा फर्स्ट ड्रेस, मैं पहन के दिखाऊंगी, आप बताइएगा हाँ कौन सा अच्छा, सारे ड्रेसों में सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है, ठीक है प्लीज कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट देखिए मेरा फेवरेट कलर, बहुत प्यारा है ये पिंक, बहुत ही प्यारा है, सब मिडी लेंथ है, मतलब लॉन्ग गाउन नहीं है, इट्स मिडी, नी के नीचे तक की है, और ये ऐसे है इसका नेक, ऐसे बोट नेक जैसा है ना, हाँ बोट जैसा है, और ये ना फ्लैप है, कहाँ है ढूंढो ये रहा इसका फ्लैप, मतलब ऐसे बाजू की साइड में है, हाँ ये ना हाथ के साइड से फ्लैप है, हाँ ये नीचे से ना अटैच्ड है और ये हाथ ऐसे फ्लैपी है, और बीच में से इलास्टिक दे रखा है, हाँ और ये पीछे भी है फ्लैपी, मतलब आगे से ये फ्लैपी नहीं है, आगे से देखिए ऐसा है, यहाँ पर इलास्टिक दिया हुआ है टू गेट अ गुड फिटिंग, फिटिंग तो यहाँ पर इलास्टिक है, और बस, और ये हाथ बहुत प्यारा लग रहा है फ्लैप, मतलब ऐसे खुला खुला सा हवादार, हाँ। और इसके अंदर भी लाइनिंग है देखिए, और इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा वैसे ना हौजरी टाइप का ना, नहीं अंदर का लाइनिंग वाला, ये तो जॉर्जेट में है, और ये जॉर्जेट में है, ये जॉर्जेट, और वो जो लाइनिंग है हौजरी पर मोटा है, अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है ये देखिए, और बहुत ही अच्छा मैचिंग में देखिए ये वाला लाइनिंग है, तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, वो पहले वाला थोड़ा सा सिंथेटिक था लेकिन ये हौजरी मटेरियल का, ये बहुत अच्छा है, तो मैं सोचू यही पहनू मेरे बर्थडे में पिंक कलर। सो ये रहा सेकंड और इसका प्राइस था 1395 रुपीज। सो थर्ड, अब ये टॉप आ गया, ये देखिए ऐसा टॉप है, ये कुछ बलून टाइप बोलते हैं ना, हाँ ये बलून टाइप देखिए टॉप है, नीचे से देखिए, नीचे से ऐसे फ्रिल मतलब ऐसे है, मतलब ये ऐसे, और इसके अंदर भी लाइनिंग है अच्छा वाला, और इसमें जो स्लीव्स है ना क्रोशिया का स्लीव्स है देखिए, नेट में ना, नेट में, और अच्छा यहाँ पर छोटा सा बेल दिया हुआ है, और ये इलास्टिक है यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये नेक के इधर भी है ना देखिए क्रोशिया का किया हुआ है, पीछे भी क्रोशिया का किया हुआ है, और ये कलर ना मुझे एकदम ही अलग लगा, मतलब इसके कलर, इसके प्रिंट में ऐसा कलर नहीं था, हाँ मेरे पास ऐसा कलर बिल्कुल नहीं था, और ये पहनने मतलब ऐसे तो बहुत डल लग रहा है पर लेकिन पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने जब पहना था तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, देखिए बहुत ही एकदम छोटे छोटे फ्लावर प्रिंट्स है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मतलब पहनने को मस्त लग रहा था, और इधर एक बटन क्लोजर भी है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे हाई नेक टाइप है, हाँ थोड़ा सा ऊपर तक है, तो इधर बटन का क्लोजर है, तो बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा है, और इसका प्राइस था कुछ 995 रुपीस। तो ये तीन तो मैंने मंजू ने मुझे दे ही दिए थे, मैंने एक और लिया था लेकिन वो मिला के बहुत ज्यादा ही प्राइस आ गया था तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन मैंने खुद से फिर ले ही लिया, मतलब वो कलर बहुत पसंद आ रहा था, तो अभी के ट्रेंड का कलर है,
दिखा रही हूँ। जो ये कलर इसके पास नहीं था और ऐसा कलर मेरे पास था भी नहीं। और देखिए कितना प्लेन सिंपल टॉप है और लेकिन मटेरियल अगेन जॉर्जेट का ही है और इसके अंदर भी लाइनिंग नहीं है नहीं सामने की तरफ लाइनिंग है। सामने की तरफ थोड़ा लाइनिंग है और वैसे तो ये सी थ्रू नहीं है। नहीं नहीं ये डबल है डबल है वही तो मैं बोला ये डबल है मतलब लाइनिंग है इसमें सेम कलर का और यहाँ पर इसका ये स्लीव का पैटर्न देखिए बहुत अच्छा था प्लीटेड वाला स्लीव्स में तो ये अच्छा लग रहा था मुझे और मोर ओवर मेरे पास ऐसा कोई कलर ही नहीं था आगे से ये ऐसा लग रहा है चैन नहीं है ऐसे सो के लिए है खाली है। ये कोई मैंने ऐसे पंगा लेगा ना सेल्फ डिफेंस तो ये लास्ट टॉप है देखिए कितना प्यारा कलर है ना लैवेंडर और ये इतना ट्रेंड में है ये कलर और मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको भी ले लिया और इसका प्राइस 800 था 895 इसका भी था और फिर सब मतलब 95 उसका था ही था उसके सारे कपड़ों में तो फिर उसने हम लोग को डिस्काउंट दिया 10% और पता नहीं राउंड फिगर किया कि राउंड फिगर किया था बाद में किया था। मैंने बोला था प्लीज भैया कर दीजिए ना एकदम मीठा मीठा स्माइल डाल के कर दिया उसने मेन इसने बार्गेनिंग की और फिर मैंने बोला प्लीज भैया कर दीजिए ना राउंड फिगर मेरा बर्थडे के ड्रेसेस है तो वो कह रहा है तो राउंड फिगर ने कहा कि उसको आप उतना और प्लस करके पूरा दे दो ना मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला अगर आपका चीज अच्छा लगा हमें तो हम हमारे फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करेंगे ना तो फिर सब लोग आएंगे आपसे लेने तो उसने बोला ठीक है तो फिर राउंड फिगर कर दिया तो यही था आज का वो हमारा वीडियो मेरा बर्थडे हॉल मैं ट्राई ऑन करके दिखाऊंगी आप बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जल्दी जल्दी देखने मिले। घंटी भी दबा देना है और हम हफ्ते में दो बार वीडियो पोस्ट करते हैं दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे। टाइमिंग कुछ नहीं है क्योंकि हमको जैसे लगता है कि लोग कौन से टाइम पे वीडियो देखना पसंद करते हैं हम वैसे टाइम पे वीडियो पोस्ट कर देते हैं लेकिन वेडनेसडे एंड सैटरडे डेफिनेटली वीडियो जाता ही है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए सी यू बाय। I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't I got you, baby. And if you feel